हमारा कमरा है ना ये, हमारा बिस्तर है ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं तय करूंगा, कोई और नहीं। और भाई साहब आप तो रहने ही दीजिए, ये ना ये मर्दों का काम है, आपसे तो एक बच्चा पैदा हुआ नहीं आज तक। तमीज के साथ साथ छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल गए हो क्या? बुरा लगा? ठीक है कोई बात नहीं, बट बात तो सही है ना, जबरदस्ती पूरा घर सुधा भाभी के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, उनको दोष देता रहता है, क्या पता दोष इनके अंदर हो। तभी माँ ने आज तक आपको उस तरीके से प्यार नहीं किया जैसे एक बेटे को किया जाता है। आनंद, तमीज से बात करो अपने बड़े भाई से। तुम कौन होते हो हमें कमियां और खूबियां बताने वाले? हाँ कौन होते हो? और माँ हमें प्यार करे या हम पे गुस्सा, उनका हक है। छोटे हो छोटे बन के रहो, बड़े बेटे का भार तुम्हारे कमजोर कंधे उठा नहीं पाएंगे। छोड़ो सुधा, जिसे बड़ों का और अपनी पत्नी की इज्जत करना नहीं आता उसे तमीज सिखाना बेवकूफी होगी। और वैसे भी मुझे अभी इसकी इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो मानसी की। हमें मानसी को ढूंढना होगा। जाइए धोनी, जाइए। Shakara chanda tandavam tamo tunah chiva chivam.
महादेव। डोरी से मिलना बहुत जरूरी है, उसे ये बात बताना जरूरी है कि उसका बाबा जिंदा है और बहुत ही जल्द वो उसके पास आ जाएगा। इसको पूछो। वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चे को बचाएंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये तो वही औरत है जिसे मैंने अपना बेटा सौंपा था, और अगर ये यहाँ है तो क्या मेरा बेटा भी यही रहता होगा? डोरी, गंगा की माई को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाए। अपने गंगा को दिया हुआ वचन भी नहीं निभा पा रहे हैं। पता नहीं हमारी डोरी कहाँ चली गई। बिना कितना परेशान है हमारी डोरी। हमारा गंगा काहे चला गया रे, हम सबको छोड़ के अकेले कहाँ चल गई लो बबुआ? डोरी का पापा गंगा अग्नि जलाशय ठकुराइन ने मारा है मेरे बाबा को। जरूर उस रुक्मिणी को पता चल गया होगा कि गंगा मेरा बेटा है, तभी तो उसने उसे मारने की कोशिश की होगी। जिस पर महादेव का हाथ हो और जिस माँ के दिल के अंदर अपने बेटे के लिए इतना प्यार हो, रुक्मिणी जैसी शैतान उसे नहीं मार सकते। मेरा बेटा मेरा बच्चा